सक्सेस पाने के मंत्र में अगर सबसे पहले किसी को रखा जाना चाहिए तो वो है आपकी सुबह की शुरुआत को। सुबह की एक अच्छी शुरुआत आपका पूरे दिन का टेम्पो सेट करता है। आप कितने एनर्जेटिक, कितने एक्टिव रहने वाले हो, ये आपका सुबह डिसाइड कर सकता है। देखोगे कि दुनिया में सक्सेसफुल लोगों की सुबह की शुरुआत कैसे होती है, तो आप भी उनके लाइफस्टाइल को फॉलो करके, उनके सुबह को फॉलो करके आप भी एक सक्सेसफुल बनने की राह पर निकल सकते हो। वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही टिप्स देने जा रहा हूँ जो आपको सक्सेसफुल बनाने की गारंटी तो नहीं देता, पर हाँ, आप सक्सेस पाने की राह पर जरूर निकल सकते हो। नंबर वन, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह उठते के साथ ही आप सबसे पहले पानी पीजिए। जब आप खाली पेट पानी पीते हैं तो इसके साइंटिफिक फायदे भी हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को सही करता है, ये आपके पेट के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। आप अगर जनरली 6 बजे उठते हैं तो कोशिश करिए आप 1 घंटा पहले उठें, क्योंकि आप अगर 1 घंटा पहले उठेंगे तो पूरे दिन आपके पास 1 घंटा टाइम ज़्यादा होगा और आप ज़्यादा काम कर पाएंगे, आपका दिन बढ़िया होगा। नंबर टू, मेक योर बेड। सुबह सुबह उठकर जब आप अपना बेड खुद सही करते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप मैसी नहीं लगोगे, आपका कमरा बढ़िया लगेगा। आपको सुबह सुबह उठ कर के ये फीलिंग आएगी कि मैंने अपने सुबह का पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है। पूरे दिन आप काम करोगे, जब रात को घर वापस आओगे और आप जब अपना बेड तैयार देखोगे तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, आपको सुकून मिलेगा, आपको लगेगा कि नहीं यार, आज तो मैंने कुछ बढ़िया काम किया है। ये चीज़ आपको हर दिन करनी चाहिए और आप देखना, जब ये आपकी आदत में शामिल हो जाएगा तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। नंबर थ्री, एक्सरसाइज। सक्सेसफुल लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि हेल्थ इज वेल्थ। वो अपने शरीर पर भी उतना ही ध्यान देते हैं जितना कि अन्य कामों पर। आपको भी अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, इसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए हर दिन। आप अगर चाहें तो जिम जा सकते हैं, अगर आपको योगा करना पसंद है तो आप योगा कर सकते हैं। नंबर फोर, मेडिटेशन। जिस तरीके से आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं उसी तरीके से आपको अपने मन का भी ख्याल रखना चाहिए। मेडिटेशन करने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपको बहुत शांति मिलती है, आपके दिमाग में जो अनवांटेड थॉट्स होते हैं ये आपके थॉट्स को क्लियर करता है, ये आपको अपने आप को जानने का मौका देता है, आपके एंग्जाइटी को दूर करता है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आपको धीरे धीरे मेडिटेशन करने की आदत डालनी चाहिए। मेडिटेशन आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए। नंबर फाइव, बी ग्रेटफुल। आपको हर सुबह ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने आपको एक और सुबह दिया है। आपको उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज आप सांस ले पा रहे हो। आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप हेल्दी हो। भगवान को शुक्रिया करने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आपको हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। इससे एक तरीके का शरीर में केमिकल रिलीज होता है जो आपके हेल्थ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा है।